तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना वेबमेल का जो ईमेल्स है वो अपने जीमेल में कैसे मंगा सकते हो, भी फ्री में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वेबमेल में अपना लॉगिन हो जाना है। आप अपने वेबमेल में लॉगिन हो जाइए। तो लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहला आप अपने जीमेल में जाइए और सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद इस सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। सेटिंग्स में क्लिक करते हैं आपको अकाउंट एंड इंपोर्ट्स में जाना है। जैसे कि मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो जनरल वाला सेटिंग्स आ गए, बट अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में जाना है। ऐड एन ईमेल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। तो ऐड एन ईमेल अकाउंट पर क्लिक करते आपको एक पॉपअप आ जाएगा। तो आपको बोलेगा कि आपका ईमेल कौन सा ऐड करना है, आप डाल दीजिए। वो डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि इंपोर्ट ईमेल्स फ्रॉम अनदर अकाउंट, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम बोल रहा है वो आपको आपका जो वेबमेल का है ईमेल एड्रेस वही डालना है। यहाँ पर आपके वेबमेल का ही पासवर्ड डालिए आप। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है लीव अ कॉपी ऑफ रिट्राइव मैसेज ऑन द सर्वर, तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो काफ़ी टाइम लेगा उधर से कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए ऐड अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया योर मेल अकाउंट हैज़ बिन एडेड, यस आई वॉन्ट टू बी एबल टू सेंड एन ई मेल एज अ ऑन वेब नीलेश डॉट कॉम। जैसे कि अगर आपको अभी सारा ई मेल तो आएगा पर अभी आपको भेजना भी है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे आपको भेजना भी है। तो उसके लिए बोल रहा है कि तो अगर नो करोगे तो आपको खाली मेल आएगा, मेल करने के लिए आपको वापस से वेबमेल पे जाके करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि यहीं से मुझे एक और ऑप्शन आ जाएगा कि सेलेक्ट करके कहाँ से, मतलब मेरे को नीलेश माली मेरे आईडी से भेजना है या फिर nilesh@onwebnilesh से भेजना है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यस आई वॉन्ट टू एबल टू सेंड ई मेल एज अ nilesh@onwebnilesh.com पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो जैसे ये बोल रहा है नेम, आप बिजनेस नेम है तो बिजनेस नेम डाल दीजिए, जो भी डालना है आपको डाल सकते हो, फिलहाल तो सही है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर इसके बाद ये आ गया नीलेश, ये वापस से आप अपना वही ईमेल एड्रेस डाल दीजिए आपके वेबमेल का, और यहाँ पर वही पासवर्ड भी डाल दीजिए। अगर आपका SSL लग चुका है तो आपको 465 सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका SSL नहीं लगा है तो 587 पे ही चलेगा आपका, ठीक है। अगर आप मतलब आपके वेबसाइट में HTTPS आपने ऐड किया है तो आपको यही 465 यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर फिलहाल मेरा SSL मैंने नहीं बाय किया है, तो फिलहाल मैं ऐसे ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो एंटर एंड वेरीफाई द कॉन्फर्मेशन कोड, तो कॉन्फर्मेशन कोड जो वेबमेल पे मेरे यहाँ आया होगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरे वेबमेल पे एक कॉन्फर्मेशन कोड आ गया है, जैसे कि आप इतने देख पा रहे हो। तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मैंने इसके लिए वेबमेल खोला था, तो जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया और ये मेरा हो गया, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो nilesh@onwebnilesh.com। इसको आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो, फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि येस आई वॉन्ट टू सेंड अ ई मेल एज nilesh@onwebnilesh, तो मैं दिखाता हूँ क्यों बोल रहा था। जैसे कि कंपोज पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रॉम, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया nilesh@onwebnilesh.com। इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये ऑप्शन लाने के लिए आपको, अगर नो कर देते तो ये ऑप्शन नहीं आता था, खाली आपको जो भी इस मेल पे जो भी मेल आता था वो ये वाले जी मेल पे आ जाता था। बट आपको भेजना भी रहेगा ना यहाँ से, तो आप यहाँ से अभी ऑप्शन देखो जैसे कि आ गया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक मेल करके, समझो अभी मैं एक मेल करता हूँ दूसरे जीमेल अकाउंट से, यहाँ पर मेल सेंड करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम एक टेक्स्ट मेल करेंगे मेरे वेबमेल वाले अकाउंट पे और देखेंगे कि वो जीमेल पे आता है कि नहीं।
मैं अपने दूसरे जीमेल अकाउंट से, जो मेरा मेन जीमेल अकाउंट है, उधर से कर रहा हूँ टेस्टिंग। टेस्टिंग करके मैं नीलेश एट द रेट onwebnilesh.com पे भेज रहा हूँ, तो देखते हुए मेरे जीमेल पे आता है कि नहीं। तो ये मैंने सेंड कर दिया, ये एक मेल तो आ गया है। ये मेरे वेबमेल है जो आपने देखा, यहाँ से सारा मेल चला गया है और ये यहाँ पे आता होगा सब मेल। तो जैसा कि मैंने अभी रिफ्रेश कर लिया है, तो मैंने जो ये ईमेल से भेजा था वो ये ईमेल पे आ गया। जैसे कि मैंने वेबमेल पे भेजा था, वो ईमेल मेरे जीमेल अकाउंट पे आया। टेस्टिंग टेस्टिंग, जैसा आप सब्जेक्ट देखिए, टेस्टिंग टेस्टिंग करके मैंने डाला था। तो सिंपली आपका वेबमेल जीमेल में आ गया भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर सच में वर्क किया है तो आप कमेंट करके बताइए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उसको। सो तब तक के लिए बाय बाय।